हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, आपके RSCIT का एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है और मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ कि वो आपके अगर एग्ज़ाम्स में आए तो आप उन्हें अच्छे से कवर कर लें। प्रीवियस में मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की पहले वीडियोस अपलोड कर रखी हैं कुछ चैप्टर्स की, तो आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। वो चैप्टर 1 से चैप्टर 4 के इम्पॉर्टेंट, थर्ड के चैप्टर 3 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें। आज की जो क्लास है इसमें चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको उनमें लगे होंगे तो आपने उन्हें अपने लिए प्रिपेयर कर लिया होगा। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। तो आई होप बुक्स तो आप लोगों ने खैर अच्छे से रीड कर ही ली होगी। बुक्स में भी जो मैंने अपलोड करी उसमें बीच बीच में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को वहाँ पे बताए हैं, तो पहले आप एक बार उनको देख लीजिए। बुक्स अगर आप वहाँ से रीड कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा आपके सब क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे एग्जाम्स के लिए। उसके अलावा आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी अपने RSCIT के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, ISP की फुल फॉर्म क्या है? आप जानते हैं ISP क्या होता है, जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है इंटरनेट की, तो इसकी फुल फॉर्म हो गई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे इसका आंसर इम्पॉर्टेंट ये हो गया है और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश इंटरनेट किस मॉडल पर वर्क करते हैं, है ना? नॉर्मली जो इंटरनेट का जो वर्क होता है वो किस मॉडल पे वर्क किया जाता है। यहाँ पे इंटरनेट की थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है ना। तो अधिकांश मॉडल इंटरनेट किस पर वर्क करते हैं? क्लाइंट सर्वर मॉडल पे वर्क करते हैं। क्लाइंट आप जानते हैं किस तरह से रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजता है, सर्वर उसका रेस्पॉन्स देता है, उस मॉडल पे आपका इंटरनेट वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडेम कितने टाइप्स के होते हैं? तो आप लोगों को पता है मॉडेम 3 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि इंटरनल मॉडेम, एक्सटर्नल मॉडेम और PC कार्ड मॉडेम। ठीक है, मॉडेम की फुल फॉर्म आपने प्रीवियस वीडियो में देख ही लिया होगा कि इम्पॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट आता है 4, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी आपकी इसकी फुल फॉर्म हो जाती है और ये आपके एग्जाम्स में भी काफ़ी बार पूछी भी गई है और इस बार भी हो सकता है ये पूछी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, MBPS की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान ये रखना है आपको कि जो बी है, अगर यहाँ पे कैपिटल बी पूछा जाए तो वहाँ पे होता है मेगाबाइट पर सेकंड। ठीक है, अगर कैपिटल में, अगर आपका ये बी स्मॉल में है तो ये होगा आपका मेगाबिट्स पर सेकंड। ठीक है, इन बी का आपको ध्यान रखना होगा, अगर स्मॉल में है तो मेगाबिट्स पर सेकंड और अगर कैपिटल में है तो मेगाबाइट पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWW और TCP/IP की फुल फॉर्म क्या है? आई होप आप लोग सभी जानते होंगे कि इन दोनों की फुल फॉर्म क्या है। तो WWW की वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगी और TCP/IP की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गई आपकी TCP की, और IP की फुल फॉर्म हो गई आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक प्राइवेट इंटरनेट जिसे कंपनी के अंदर ही इस्तेमाल किया जा सकता है, उस इंटरनेट को क्या कहते हैं? यानी एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने ऑफिस के लिए ही कोई इंटरनेट रन कर रहा है ना, तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है? यानी अपना खुद का एक नेटवर्क किस में आ जाएगा? आपका इंट्रानेट के नेटवर्क में आ जाएगा। ठीक है, इसे इंटरनेट कहेंगे। एक्स्ट्रानेट मैंने आपको मेरी वीडियो में बताया ही कि क्या होता है, और इंटरनेट तो आप सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्पेशल पेज को WWW पर क्या कहा जाता है? जो पेजेस देखते हैं ना, किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करते हैं तो उसका जो स्पेशल पेज होता है वो क्या कहलाता है? आपके वेब पेजेस कहलाते हैं। ठीक है, वेबसाइट के जो पेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके वेब पेज कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट क्या होती है? ठीक है, आपने अभी सुना कि पेजेस होते हैं ना, वेबसाइट में बहुत से पेजेस होते हैं। अब वेबसाइट क्या होती है? WWW पर रिलेटेड पेजेस का कलेक्शन क्या कहलाती है? आपकी वेबसाइट कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है ना, उसमें बहुत से पेजेस हो जाएंगे, जैसे फैकल्टी का अलग हो गया, कोर्सेज का अलग हो गया, एडमिशन्स का अलग हो गया पेज, है ना, तो बहुत से पेजेस का कलेक्शन क्या कहलाता है? आपका एक वेबसाइट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक वेबसाइट पर मेन पेज क्या कहलाता है? एक मेन पेज वो होता है जो कि आपको पूरे वेबसाइट के बारे में नेविगेट करवाता है कि जैसे होम पे जाना है तो आप होम पे क्लिक करिए, एडमिशन वाले पेज पे जाना है तो आप एडमिशन पे क्लिक करिए, कोर्सेज के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कोर्सेज पे क्लिक करिए, और फैकल्टी के बारे में जानना है तो फैकल्टी पे क्लिक करिए, ठीक है? तो यानी जो मेन पेज होता है जिस पर क्लिक करके आप आगे के पेजेस पर पहुँचते हैं वो क्या कहलाता है? आपका होम पेज कहलाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऐसी कौन सी साइट्स हैं जो फिक्स रहती है और यूज़र को इंटरैक्शन करने की परमिशन नहीं देती है? आप जानते हैं वेबसाइट दो टाइप की होती है, डायनामिक और स्टैटिक, है ना? तो ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो कि यूज़र को इंटरैक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाती और फिक्स रहती है? वो होती है आपकी स्टैटिक वेबसाइट। और जो रिफ्रेश होती रहती है, यूज़र को इंटरैक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, वो हो गई आपकी डायनामिक। वेबसाइट को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करा गया? जैसा कि मैंने प्रीवियस में बताया, एक वेबसाइट दो दो कैटेगरीज की होती है, एक स्टैटिक वेबसाइट और एक डायनेमिक वेबसाइट। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है RACIT के एग्जाम में। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपकी URL की फुल फॉर्म होती है। काफ़ी बार पूछी भी गई है और इस बार भी पूछी जा सकती है। और देखिए, ये जो आपको RACIT से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, केवल RACIT के लिए ही नहीं, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप फाइट करेंगे तब भी आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे भी आपको शो होंगे। नेक्स्ट, URL में HTTP क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? HTTP क्या है? हमारा प्रोटोकॉल है जिसके अकॉर्डिंग हमारा वेबसाइट पर वर्क किया जाता है, एक URL को ओपन किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है? एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल आप जानते हैं सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 15, .com .edu .gov .net और .org क्या है? आप जानते हैं ये क्या है? आपके टॉप लेवल डोमेन कोड्स कहलाते हैं, TLDs होते हैं ये सारे। और याद रखिएगा, इनकी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम्स में आ सकती है। .com का मतलब क्या है? कॉमर्शियल। .edu एजुकेशन। .gov गवर्नमेंट। .net नेटवर्क। .org ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? ये आपको वेबसाइट्स के लास्ट में दिखते हैं, जैसे gmail.com, यानी जीमेल के कॉमर्शियल से रिलेटेड आपका ये मेल की सर्विस है। नेक्स्ट, DNS की फुल फॉर्म आप सभी जानते ही होंगे, डोमेन नेम सिस्टम, इम्पॉर्टेंट है। डोमेन नेम को न्यूमेरिकल IP में चेंज करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ना, आपका जो भी डोमेन नेम होता है, जैसा कि अभी देखा .com, है ना, उसे IP एड्रेस मैंने अपनी क्लास में आपको बताया ही है, जो थ्योरी की क्लासेस के चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, उसमें मैंने IP एड्रेस के बारे में बताया। यानी डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहला रही है? आपकी डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है? ये क्या कर रहा है? डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करके उसे की रिक्वेस्ट आगे सेंड करता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है, वेब ब्राउजर किस मॉडल पर कार्य करता है? वेब ब्राउजर आप सभी जानते होंगे, क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है, इंपॉर्टेंट है। पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में आपको बता रखा है। पॉपुलर वेब ब्राउजर्स कौन कौन से हैं? तो पॉपुलर वेब ब्राउजर्स में आप जानते हैं गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया जिसे अब माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से भी जाना जाता है, फायरफॉक्स हो गया, एप्पल सफारी और ओपेरा, है ना? और इनके अलावा भी काफ़ी आपके वेब ब्राउजर्स हैं जो कि क्लाइंट सर्वर मॉडल पर वर्क करते हैं और यूज़र की क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्वर पर लेके जाता है और सर्वर से रेस्पॉन्स देते हैं। नेक्स्ट आता है, HTTPS में S का क्या मतलब है? ठीक है, S यानी सिक्योर। आप जानते हैं, आप किसी भी वेबसाइट्स पर अपनी डिटेल एंटर करेंगे तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो उस वेबसाइट में पैडलॉक का सिंबल होना चाहिए और एक वहाँ पे S होना चाहिए, तब ही आप अपनी डिटेल्स वहाँ पर एंटर करेंगे और तब ही वो आपकी सिक्योर रहेगी और कोई भी हैकर आपकी डिटेल्स को हैक नहीं कर पाएगा। तो वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स एंटर करने से पहले आपको एड्रेस बार में देखना होगा कि HTTPS है और पैडलॉक का सिंबल है या नहीं है। ये भी मैंने अपनी वीडियो में आपको प्रैक्टिकल बताया था कि कहाँ पे आपको पैडलॉक मिलेगा और कहाँ पे S मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP किस लेयर पर वर्क करता है? तो आपकी 4 लेयर्स अभी वर्क कर रही हैं इंटरनेट पर, तो अभी जो HTTP है वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पर वर्क करता है। फेमस सर्च इंजन कौन कौन से हैं? ठीक है,
आप जानते हैं सर्च इंजन कीवर्ड्स की थ्रू हेल्प से आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क करता है ना, पूरी रिक्वेस्ट को सर्च करता है। ये भी मैंने अपनी थ्योरी वाली क्लासेस में आपको बताया है। तो सर्च फेमस सर्च इंजन आपकी गूगल, बिंग और याहू हो गया है ना, इनका भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में काफ़ी थोड़ा डिफरेंस है और कई बार बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस में मिस्टेक करते हैं, तो आप अच्छे से याद कर लीजिए कि सर्च इंजन कौन से हैं और वेब ब्राउजर्स कौन से हैं। नेक्स्ट आता है सर्च इंजन द्वारा कौन कौन सी प्रोसेस को मैनेज किया जाता है। आप जानते हैं सर्च इंजन क्या करेगा, सबसे पहले वेब क्रॉलिंग करेगा जिसे वेब स्पाइडर के नाम से भी जानता है, फिर इंडेक्सिंग का वर्क किया जाता है और फिर सर्चिंग की प्रोसेस इसके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आता है फ्री एनक्लोसाइक्लोपीडिया का नेम क्या है, इंपॉर्टेंट है और आप जानते हैं विकिपीडिया आपका फ्री एनक्लोसाइक्लोपीडिया के नाम से जाना जाता है, एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, नेक्स्ट सीसी और बीसीसी की फुल फॉर्म क्या है, इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी भी गई है आरएससीआईटी के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सीसी यानी कार्बन कॉपी, बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक ईमेल एड्रेस में क्या क्या शामिल होता है, तो ईमेल एड्रेस में आप जानते हैं एक लोकल पार्ट होता है जिसे यूजर नेम कहते हैं, एक एट द रेट का सिंबल होता है और एक डोमेन नेम का सिंबल होता है। ठीक है, आपके सामने कोई ईमेल एड्रेस दे दिया जाएगा जिसमें क्या कर दिया जाएगा, इस एट द रेट को आगे रख दिया जाएगा और फिर आपको पूरा पार्ट दे दिया जाएगा, तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। आप जानते हैं डोमेन नेम यानी जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसका नेम पीछे आ जाएगा, एट द रेट का सिंबल आएगा और उससे पहले आपका नेम यहाँ पे होगा एड्रेस में, ठीक है, जिसे आप लोकल पार्ट कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इससे रिलेटेड ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। ईमेल प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, यानी ईमेल की इलेक्ट्रॉनिक मेल के सर्विस कौन कौन प्रोवाइड करवा रहा है आपको, जैसे जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, याहू मेल हो गया, आउटलुक, इन सभी ऐप प्लेटफॉर्म्स के थ्रू क्या कर सकते हैं आप ईमेल किसी को भी कर सकते हैं। ईमेल और जीमेल में थोड़ा डिफरेंस है, ये गूगल की मेल सर्विस है आपकी और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल है। नेक्स्ट, सभी रिसीव किए गए मेल किस फोल्डर में स्टोर रहते हैं। ईमेल में जैसे आपके होता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपके कोई भी मेल जो आपके पास आते हैं है ना, कोई भी आपको सेंड करता है तो किस में स्टोर रहते हैं, आपके इनबॉक्स फोल्डर में स्टोर रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 29, कंपोज किए गए मेल अगर सेंड नहीं करे तो कौन से फोल्डर में स्टोर होते हैं। मान लीजिए आपने कोई कंपोज करके रख दिया और आप चाहते हैं अभी इस मेल को सेंड नहीं करना चाहते, तो वो कौन से फोल्डर में स्टोर रहते हैं, वो रहते हैं आपके ड्राफ्ट में। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ईमेल अटैचमेंट की मैक्सिमम साइज़ क्या है, कभी कभार होता है ना साइज़ के अकॉर्डिंग ही आप अटैचमेंट कर सकते हैं। अटैचमेंट तो जानते हैं ना आप, कोई भी फाइल या कोई भी एप्लीकेशन स्मॉल साइज़ की किसी को मेल के थ्रू भेजना चाहते हैं है ना, कोई भी फाइल फोल्डर किसी को मेल के थ्रू भेजना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका अटैचमेंट कहलाता है। और अटैचमेंट की जो साइज़ है वो 25 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बी कैपिटल है तो आप लोग समझ ही गए होंगे। RPSC की फुल फॉर्म क्या है, ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, फुल फॉर्म के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके RSCIT के एग्जाम्स में और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो यहाँ पे हो जाएगी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए ये केवल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपनी तरफ से बनाए हैं मैंने आपके लिए, तो आप इन्हें देख लीजिए, बट बुक तो आपको कवर करनी ही पड़ेगी तभी आप अपने RSCIT के एग्ज़ाम अच्छे से कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट, OTP की फुल फॉर्म क्या है, इंपॉर्टेंट है, आई होप सभी जानते भी होंगे, वन टाइम पासवर्ड आपका OTP की फुल फॉर्म हो जाता है ना। नेक्स्ट आ जाता है जनधन योजना कब स्टार्ट करी गई थी, तो जनधन योजना अगस्त 2014 में स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, प्लास्टिक मनी के एग्जाम्पल कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, रुपए कार्ड हो गया, ये सब किस में आता है आपके प्लास्टिक मनी में। जिस भी तरीके के कार्ड होते हैं ना आपके पास वो सारे आपके किस में आ जाते हैं, प्लास्टिक मनी की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट, CVV और CVC की फुल फॉर्म क्या है, ये हमारे कार्ड के पीछे लिखे हुए होते हैं, तो CVV की फुल फॉर्म कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू एंड CVC की फुल फॉर्म कार्ड वैलिडेशन कोड। ठीक है, CVV की फुल फॉर्म कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू और CVC की कार्ड वैलिडेशन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, रुपए कार्ड कौन से डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। रुपए कार्ड आप जानते हैं NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने आपके लॉन्च किया। देखिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसने लॉन्च करा और ये भी आ सकता है कि NPCI की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, POS की फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, सभी जानते भी होंगे। मोबाइल वॉलेट्स के, एक सेकेंड पीछे रह गया क्या, नहीं,
मोबाइल वॉलेट्स के एग्जांपल आप जानते हैं, मोबाइल्स के थ्रू भी हम हमारे मनी स्टोर करके रख सकते हैं, मोबाइल के थ्रू मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, तो वो सभी किस में आ जाता है, आपके मोबाइल वॉलेट्स में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम हो गया, फ्री चार्ज हो गया, योनो हो गया, ये सब किस में आ जाते हैं, आपके मोबाइल वॉलेट्स में आ जाते हैं। और भी काफ़ी मोबाइल वॉलेट्स होते हैं। UPI, USSD और भीम, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इनकी फुल फॉर्म आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। UPI के आप जानते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ध्यान रखिएगा, यूनिफाइड है, कुछ और नहीं है, तो इसका आप लोगों को एग्जाम में ध्यान रखना होगा। USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, सिंपल है, याद रखिएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी है, मनी के अलावा कुछ और अगर आपको यहाँ दे दे तो वो मत कर देना, मनी ही होगा, ठीक है, क्योंकि मनी ही हम ट्रांसफर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, USSD कोड क्या है ना, इंपॉर्टेंट है ये। कोई सा भी आपको कोड पूछा जाएगा, USSD कोड पूछा जाएगा, बहुत से ऑप्शन दे देंगे, बट आपको पता होना चाहिए USSD कोड क्या है, *99#, तो ये आपका USSD कोड है। तो आज की क्लास में मैंने आपके 40 क्वेश्चंस कवर करे हैं, 30 मैंने प्रीवियस की 35 मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड करे हैं, तो अप्रॉक्स 75, ठीक है, 75 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया, और इससे पहले भी एक मैंने अपलोड कर रखे है, उसमें शायद 30 हैं, तो लगभग 120-110 के अकॉर्डिंग आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक बुकलेट आ गई है, तो इन्हें तो देख ही लीजिए, और आगे भी मैं जल्द ही वीडियोस अपलोड कर दूंगी। तो आई होप आप लोगों का पेपर अच्छे से जाए, और जब भी आपका पेपर हो जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों का पेपर में कितने मार्क्स आ रहे हैं, जो भी आपके पास आंसर की आए उस टाइम, ठीक है, मैं आंसर की भी अपलोड कर दूंगी जब भी पेपर होगा उसके बाद। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन से काफ़ी इन क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए और सीखते रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।